हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं हूँ प्रीत तिवारी और प्रीत तिवारी चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ फ्रंट से बैक से हेयर कट विद बैक से वी शेप हेयर कट किस तरीके से करना चाहिए। आई होप आप लोग को वीडियो देख के समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो एंड तक देख लीजिएगा। वीडियो के एंड में आपको हेयर कट का फाइनल लुक विद फ्लोर पे कितने हेयर गिरे हैं वो देखने को मिलेगा। तो जरूर वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। और हाँ, ट्रेंडिंग हेयर स्टाइल्स मैंने अपने अपलोड कर दी हैं न्यू ईयर पार्टी के लिए हेयर स्टाइल्स और मेकअप, तो प्लीज़ इसको भी चेक कर लीजिएगा गाइज। और तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब किया कि नहीं जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब। वीडियो के नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा उस पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करते ही बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो ये है इनके हेयर्स, देख सकते हैं आप किस टाइप के हैं और कटिंग करने के बाद कैसा आएगा वो आपको वीडियो के एंड में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं इनके बालों को गीला कर ले रही हूँ और गीला करके कॉम करके अच्छे से सुलझाना है, जो कि आपको दिख रहा होगा मैं वीडियो में कर रही हूँ। अच्छे से सुलझाना है पूरा गाइस, जब तक आपके बाल पूरे अच्छे से सुलझ ना जाए तब तक आप इसको सुलझाइए। जब अच्छे से पूरा सुलझ जाए उसके बाद ही कटिंग स्टार्ट करनी है। और वी शेप यू शेप कटिंग के लिए आपको मिडिल पार्टिंग लेनी चाहिए हेयर की, तो ही आपकी कटिंग परफेक्ट आएगी। आप देख सकते हैं इनके 7 से 8 इंच तक हेयर्स मैं निकालूंगी, जो कि पतले दिख रहे हैं नीचे से, तो उनको निकालना ज़रूरी है इसलिए मैं निकाल दे रही हूँ। तो पहले इनकी लेंथ निकाल लेंगे जितना भी आपको निकालना है। पहले मैं इनके बालों को अच्छे से सुलझा ले रही हूँ। तो इस तरीके से आपको बीच से पार्टिंग कर लेनी है, ओके, और फिर अच्छे से सुलझाना है बालों को, ओके। जब तक आपके बालों से टैंगल्स अच्छी तरह से रिमूव ना हो जाए तब तक आप कटिंग स्टार्ट मत कीजिएगा। अगर आप इस टैंगल रहते हैं हेयर्स में और फिर कटिंग कर देते हो तो कई बार बाल इधर उधर छूट जाते हैं, फिर बाद में जब कॉम करते हैं हेयर ड्राई होने के बाद से तो इधर उधर से निकलने लगते हैं, इक्वल नहीं दिखते हैं। इसलिए आप बालों को अच्छे से सुलझाने के बाद ही कटिंग स्टार्ट कीजिएगा, ओके। तो ये लगभग इनके बाल सुलझ चुके हैं, तो अभी चलते हैं कटिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इनकी लेंथ निकालेंगे, कितना लेंथ निकालना है उतना कट कर देंगे, ओके। तो इस तरीके से कॉम करना है पहले, तो इतना लेंथ मैं इनका निकाल दे रही हूँ, जितना मैंने फिंगर रखा हुआ उसके ऊपर से कट करना है। तो इस तरीके से कट कर ले रहे हैं, स्ट्रेट कट कर देना है लेंथ निकालने के लिए, ओके। तो ये देखिए इतना हेयर्स मैंने कट कर दिया इनका। और अभी इनके ऊपर से ईयर, सॉरी, दोनों शोल्डर के पास से थोड़ी थोड़ी सी पतली पतली सी लेयर्स उठाएंगे इस तरीके से। और इस तरीके से कट कर देंगे, फिर हमको क्या होगा कि नीचे का और ऊपर का गाइडलाइन मिल जाएगा कि कहाँ तक हमको कट करना है, ओके। तो हमारा ऊपर का गाइडलाइन और नीचे का गाइडलाइन आई होप आपको दिख रहा होगा। और गाइज प्लीज़, मैं भी ट्राई कर रही हूँ और यूट्यूबर्स की तरह, तो मुझे आप लोग की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए गाइज। मेरे वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्टिंग मी गाइज। आप लोग के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस तरीके से आपको नीचे से लेके जहाँ तक आपका ऊपर का गाइडलाइन है वहाँ तक इस तरीके से तिरछा कट कर देना वी शेप में। तो ये हमने एक साइड से कट कर दिया, अब दूसरी साइड से भी सेम इसी तरीके से कट करना है। और ऐसे पकड़ के चेक कर लीजिए कहीं से छूटा तो नहीं है, जहाँ छूटा हुआ दिखे आपको वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा कट कर लीजिए। और ओके, इस तरीके से तिरछी फिंगर्स रख के, तो आप देख सकते हैं इतना छोटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लग रहा है तो उसको हम लोग कट कर देंगे। जब तक आपको फिनिशिंग पूरा ना मिल जाए तब तक आप कट करेंगे हेयर्स को। तो इस साइड से लगभग फिनिशिंग आ गई है, थोड़ा बहुत जो है उसको कट कर लेते हैं। पहले एक साइड का पूरा अच्छे से कट कर लीजिए, फिर दूसरी साइड से कटिंग स्टार्ट करेंगे। तो इस साइड का ये हो गया हमारा कटिंग, अब दूसरी साइड से स्टार्ट करना है। तो दूसरी साइड का भी सेम इसी तरीके से आपको कट करना है। पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखें अच्छे से फिनिशिंग लुक देखने के लिए इनका। तो इस साइड का कट हो गया, सेकेंड साइड का अब स्टार्ट करते हैं, ओके। तो इधर से भी वी शेप में तिरछा कट करेंगे इस तरीके से, ओके। तो ये देखिए
ये वाली कटिंग में आप ओपन हेयर रख सकते हैं और देन ऊपर पोनी बना के रख सकते हैं, बहुत प्यारा लगता है। लेकिन आप इसको जैसे कि चोटी बनाएंगे तो थोड़ा सा अलग सा लुक आ जाता है, तो चोटी के लिए ये बेस्ट नहीं रहेगा। लेकिन ओपन खुला हेयर रखने के लिए और हाई पोनी टेल बनाने के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा सा लुक आता है। और क्लचर वगैरह लगा सकते हैं आप, बहुत अच्छा लगेगा। ओके, तो ये हो गया हमारा वी शेप का हेयर कट। आई होप आप लोग अच्छे से दिख रहा हो और अच्छे से समझ में आ रहा हो गाइस। तो जहाँ से नीचे से थोड़ा सा बचा हो उसको आप कट कर लीजिए, जब तक आपका परफेक्ट लुक आपको ना मिल जाए जैसा कि आप चाहते हो। तो अभी हम लोग इनका बैंग्स कट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो थोड़ा सा ये पूंछ ही जैसा दिख रहा है, इसको हम कट कर देंगे क्योंकि ये हमारे लुक को बिगाड़ सकता है। इसके लिए थोड़े थोड़े जो भी एक्स्ट्रा हेयर्स दिख रहे हैं उनको कट करते जाइए, अच्छे से कॉम से चेक कर करके आप कट करते जाइए परफेक्ट लुक देने के लिए। तो मैं आपको दिखा देती हूँ इनका फाइनल लुक कैसा आया है। और ऊपर से चेक कर लीजिए दोनों साइड का एक बराबर है या नहीं, अगर इधर से थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है तो यहाँ से फिर से कट कर देंगे दोनों साइड का, जो ऊपर का हमारा जो ऊपर का गाइडलाइन था उसके पास से। तो ये है इनका फाइनल लुक, आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा गाइस। तो चलते हैं बैंग्स हेयर कट करने। और बैंग्स कट करने के लिए थोड़ा थोड़ा मैं चेक करके इसको फिर से कट कर देती हूँ। और इनका बैंग्स कट एक साइड से करना है, एक साइड से नहीं करना है, सॉरी एक साइड से, एक ही साइड का इनको बैंग्स चाहिए था तो एक साइड से हम लोग कट कर देंगे। तो पहले आप देख लीजिए फ्लोर पे कितने हेयर्स गिरे थे। और ये है इनका फाइनल लुक, और इनका अभी बैंग्स कट स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से ईयर टू ईयर पार्टिंग ले लेंगे। ओके, थोड़ा सा उधर से भी ले लेंगे क्योंकि जैसे साइड मांग से रखना है, तो हल्का सा उस साइड का भी लेके और इस तरीके से दोनों साइड के ईयर टू ईयर पार्टिंग्स को हेयर्स की तरफ, सॉरी नोच की तरफ सीधा लेके जाएंगे। और ऐसे कट करेंगे। पहले इनसे आप इनका लेंथ पूछ लीजिए कि कितना बैंग्स का लेंथ चाहिए इनको, जितना चाहिए उसके हिसाब से ही कट करेंगे। तो यहाँ से कट करेंगे तो हमारा आइज के पास लेंथ आएगा, थोड़ा नीचे कट करेंगे तो थोड़ा सा आइज के नीचे आएगा, क्योंकि जितना भी आप कट करते हो उससे एक इंच ऊपर चला जाता है आपका हेयर। तो जितना आपको लेंथ चाहिए उससे एक इंच लॉन्ग कट कीजिएगा। ओके, तो ये हो गया हमारे इनका बैंग्स कट भी, तो लगभग हेयर कट कंप्लीट हो गई है। अब इनके बैंग्स को चेक कर लेते हैं कि अच्छा आया है या नहीं। तो इनको ठीक लगा इनका बैंग्स। तो आई होप आप लोग को हेयर कटिंग पसंद आई हो गाइस। प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, मुझे सपोर्ट कीजिए। हेयर कट की वीडियो डिस्क्रिप्शन सॉरी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर एंड लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नया लेके, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और मुझे सपोर्ट करते हैं। बाय, लव यू ऑल।